आज हम क्लास 11th में पहला जो चैप्टर है सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब इसकी जो डिस्कवरी हुई थी इसके लिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले तीन मटेरियल लिया था। पहला इन्होंने एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को बनाया था, नंबर एक हो गया। दूसरा जो था इन्होंने क्या किया था, कॉर्क लिया था, कॉर्क को लिया था। और तीसरा क्या था, इन्होंने जो कॉर्क थी इसकी छोटी छोटी स्लाइस काटी थी। अब माइक्रोस्कोप एकदम ऑर्डिनरी था, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप था। जहां पे टर्म सिंपल माइक्रोस्कोप होगा वहां पर क्या आएगा कि सिंगल लेंस का यूज किया जाता है। अब लेंस की कैपेसिटी पे हो सकता है 10x हो सकता है, 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, 40x हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। इस तरह से इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कॉर्क लिया था। एक चीज यहाँ रिमार्केबल याद रखिएगा कि नॉट, अगर आज हम कॉर्क की बात करते हैं तो इट इज नॉट ए लिविंग सेल, इट इज ए नॉन, इट इज द डेड सेल। ये लिविंग के डेड फॉर्म होता था। और एक्सीडेंटली रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क को लिया था। और कॉर्क को लेने के बाद इन्होंने इसकी छोटी छोटी क्या किए थे, स्लाइस काटे थे, छोटे छोटे टुकड़े किए थे। और इस टुकड़े को ला कर इन्होंने माइक्रोस्कोप पर जब ऑब्जर्व किया तो उनको जो ऑब्जर्वेशन मिला था वो आपका क्या था, हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। जैसे आपकी हनी बी का कॉम्ब होता है उस तरह का स्ट्रक्चर था। और इसके लिए इन्होंने ये लुक लाइक ए सेल, जो इसके सेल होते हैं वैसा स्ट्रक्चर था। और इस स्ट्रक्चर को ही इन्होंने क्या कहा था, According to Robert Hooke, all the living things are made up of such type of the structure. ऐसे ही स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। और इस स्ट्रक्चर के लिए टर्म यूज किया गया सेल। एंड फाइनली अब ये पता चला कि all living things are made up of the cell. And cell is the structural unit of life. क्योंकि इस वक्त आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बहुत अर्ली स्टेज थी। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो आपकी सेल की जो डिफिनीशन थी वो आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। और उसके बाद फिर सेल की जो डिफिनीशन आई वो आपकी थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब उसके बाद इन जनरल जो आपका था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खोज हुई, तो फिर सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया। दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द स्लीडन एंड स्वान, यस स्लीडन एंड टी स्वान करके एक बॉटनिस्ट था, दूसरा जूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने, एक ने प्लांट पर वर्क किया था, दूसरे ने एनिमल पर वर्क किया। और अपने कंक्लूजन के बेस पर इन्होंने सेल थ्योरी, दिस इज द सेकेंड वर्क इन द सेल, पहली सेल की डिस्कवरी हुई उसी के बाद सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी। और सेल थ्योरी में बताया गया था कि ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ द सेल, सभी जो लिविंग थिंग होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल जो होती है सभी लिविंग थिंग की ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब दूसरा हो गया, जब स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं तो अल्टीमेटली लिविंग थिंग कैसे होंगे, दो तरह के होंगे, एक तो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द एक्टिविटी, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर अकर्स विद इन द सेल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक से ज्यादा सेल कैसे बनती है, अब ये नहीं बता पाए थे। स्लीडन और स्वान जो थे वो, क्योंकि उस वक्त सेल डिवीजन की खोज नहीं हुई थी, और इन्होंने कहा कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहली सेल होती है। इन जनरल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सिंगल सेल बनती है बॉडी, उसको हम जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट से जो मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है दैट आर टेक प्लेस बाय द सेल डिवीजन। बट नाउडेज सेल डिवीजन टर्म आर नॉट यूज, या हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन की खोज नहीं हुई थी। और इस तरह से ये पता चला कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक से ज़्यादा जो सेल होती हैं पहले से मौजूद
सेल यानी सिंगल सेल जाइगोट से उनका डेवलपमेंट होता है। और इस तरह से एक इसने क्राइटेरिया भी बना दिया कि एक सेल से दो सेल बनती होगी बाद में। इसी के लिए क्या होगा, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था पूरी की पूरी फिनोमिना को डेवलप किया, जिसे क्या कहते हैं सेल डिवीजन। और इस तरह से अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहां तक हो गया। फिर इन नाइन स्टैंडर्ड सेल आर ऑफ टू टाइप, पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे लार्ज बॉडी हो, उनमें दो तरह की सेल पाई जाती हैं। पहली सेल जो होती है उसको प्रो कैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरी जो सेल होती है उसको यू कैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होगा, प्रो का मतलब होता है वेरी प्रिमेटिव, जहां भी टर्म प्रिमेटिव आएगा, प्रिमेटिव से एडवांस, तो प्रिमेटिव का मतलब बहुत ही सिंपल सेल थी। फिर अब आता है, अब ये सिंपल सेल है, सबसे पहले आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अगर हमको समझना है, तो सबसे पहले हमें सेल के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। जब हम सेल के बेसिक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, तो एसएलआर मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पार्ट। सबसे पहला जो होता है, जो बाहरी वाल होती है, इस वाल को हम सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो ये मटेरियल होता है, दिस इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, यही आपका लिविंग पार्ट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट वाइटल एक्टिविटी। जो भी लाइफ प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन से लेकर के रिस्पायरेशन तक, वो कहाँ होती है, विथ इन दिस एरिया। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, या लिविंग कंपोनेंट टर्म यूज होता है, और प्रोटोप्लाज्म भी जो होता है वो दो तरह का होता है। इन ए जनरल, इधर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे, जनरल सेल में एक जो ये लिक्विड सब्सटेंस, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, मेनली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, और ये सभी क्या है, आपके लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, से मिलकर बना होता है। तो अल्टीमेटली ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये चीजें जो होती हैं, इन्हीं से मिलकर के न्यूक्लियस बना होता है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके बीच में रिलेशन भी होता है, और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट बॉडी पाई जाती है, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल बता दिए, प्रो का मतलब होता है वेरी प्रिमेटिव, प्रिमेटिव का मतलब बहुत ही सिंपल, ये टर्म कह सकते हैं बहुत ही सिंपल, इन रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, इन रेफरेंस टू देयर कंपोजिशन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें साइटोप्लाज्म तो पाया ही जाता है, उसके अलावा जो ये न्यूक्लिक मटेरियल होता है, जो डीएनए मेनली होता है, हेरिडेटिक मटेरियल भी कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में जो होता है वो क्या होता है, सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है, इट नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, कह सकते हैं ये एक साइटोप्लाज्म का पार्ट ही दिखाई देता है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियो लस कहते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमेटिव न्यूक्लियस के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाता है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है, सर्कुलर डीएनए जो होता है, ये साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फार में पाया जाता है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें ज्यादातर जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनकी सेल मेम्ब्रेन में दोनों चीजें, आउटर मोस्ट जो होगा ये आपको सेल वॉल होती है, और इसके अंदर की तरफ जो लिविंग कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है उसको प्लाज्मा
मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब उसके बाद इसके अंदर का जो ये मटेरियल होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में बहुत ही सिंपल वर्क करना रहता है, बहुत ज्यादा जो होता है वर्क नहीं रहता, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में कोई वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, यानी इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हाँ कुछ सेल होती है जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फोल्ड करके माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर बनाती, क्रिस्टी जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। उसके अलावा इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है और दिस इज कॉल्ड द 70S राइबोसोम। इट इज डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है और हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, अब उनके नेचर के बेस पर होता है, यानी कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें क्या होता है, अलग से यहाँ पर क्या होता है, इस तरह सेट ऑफ डीएनए पाया जाता है। और अब इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बहुत ही प्रिमेटिव होती है, इसमें सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म केवल एक सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज द 70S राइबोसोम पाया जाता है। कुछ ऐसी सेल होती हैं जैसे कुछ बैक्टीरियल सेल होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेट ऑफ डीएनए पाया जाता है, यानी न्यूक्लियोटाइड को छोड़ करके डीएनए अलग से पाया जाता है और इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब फिर आता है यूकैरियोटिक सेल। जब हम यूकैरियोटिक सेल में आते हैं इट इज द कॉम्प्लेक्स मोर एडवांस सेल, यानी ये नोकिया 33 भी हो गया तो ये आपका क्या हो गया, आजकल जो चल रहा है यन सीरीज का, या जो भी सबसे लेटेस्ट गैलेक्सी के मॉडल्स चल रहे हैं या एप्पल के मॉडल चल रहे हैं, वो आपका हो गया कौन सा, यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं तो इनमें सबसे पहला जो होता है इसमें भी आपकी क्या होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर फाउंड और द सेल वॉल इज अब्सेंट, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्योर एंड सर्टेन होती है, यानी जो साइटोप्लाज्म होती है उसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो भी आपका कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और टू डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो लिविंग कंपोनेंट को रखे हुए रहता है उसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको सेल इंक्लूजन कहते हैं। तो इनमें लिविंग कंपोनेंट सेल के इंपॉर्टेंट वर्क को, रिस्पायरेशन हो गया, पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनको ऑपरेट करने के लिए जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया एंड गॉल्जी बॉडी हो गई एंड प्लास्टिड हो गया। उसके बाद सेकेंड होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अब इसमें आपका कौन सा होगा, सिंगल मेम्ब्रेन में बस एक ही आपका होता है, मान ली आपका लाइसोसोम, और तीसरा होता है विथआउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, और इसमें आपके कौन से होते हैं, राइबोसोम। तो इसमें तीन तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, विथआउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। उसके अलावा इसके जो साइटोप्लाज्म जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, अब इसमें माइटोकांडिया हो गया, ये दूसरा जो होता है इसका जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें सेल इंक्लूजन पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल होती है डिफरेंट वर्क करती है, तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस होते हैं,
क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, इसलिए इसको सेल इंक्लूजन कहते हैं। हायर क्लास में जब जाएंगे तो सेल इंक्लूजन 11th में और क्लियर हो जाएगा। 9th स्टैंडर्ड में बस इतना आपको पता होना चाहिए, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और सेल इंक्लूजन पाए जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता है। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाता है, और इस तरह से ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी बनती है, और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये आपकी एडवांस सेल होती है। तो सभी जो लिविंग थिंग होते हैं, अब पहचानने का तरीका है, आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, जितनी भी चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, दैट कैन बी सीन बाय द नाइट आई, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिस्ट के पॉइंट ऑफ पे, जो ऐसे लिविंग थिंग जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रो कैरियोट्स कहते हैं, इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको यूकैरियोट कहते हैं, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। तो जो चीज हमें दिखाई देती है, अगर वो लिविंग है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, तो हम श्योर अनसर्टेन कंसीडर करते हैं दिस इज द यूकैरियोट, बिकॉज प्रोकैरियोट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक, दे डू नॉट सीन विथआउट एनी माइक्रोस्कोप आइदर द कंपाउंड आर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अलावा इन जनरल जो होते हैं, उनको हम जनरल आई से नहीं देख सकते हैं। तो हमारे आसपास जो चीजें दिखाई देती हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ यू कैरियर्स। थैंक यू।